हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जब भी हम इन कैटरपिलर्स को सेव करते हैं जिनसे ब्यूटीफुल लाइम बटरफ्लाई बनकर तैयार होती है, तब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है जिसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी हमने ठीक कर लिया है। यही आज आपसे शेयर करने वाले हैं। और आज तो एकदम लॉटरी लग गई है, क्योंकि आज हमें बहुत सारे कैटरपिलर्स मिले हैं अपने लेमन प्लांट पर। ये यूरेका लेमन है जो कि हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, तो वही ये प्लांट है। काफ़ी बड़ा हो चुका है और बहुत सारे कैटरपिलर्स इन पे बैठे हुए हैं, तो इसे ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार होगी। तो इनको हमें बचाना है, क्योंकि जो छिपकली होती हैं, बंदर होते हैं या दूसरी चिड़िया वगैरह होती हैं, वो इनको नुकसान पहुंचाती हैं, खा जाती हैं, तो इसको हमें बचाना होगा। तो वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे कीड़े चिड़ियों को और छिपकलियों को और बंदरों को मिल ही जाते हैं दूसरे पेड़ों पर, तो क्यों ना कुछ कीड़े हमें बचाने चाहिए जिनसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार हो। क्योंकि हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बटरफ्लाई यानी तितली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एग्रीकल्चर में, कृषि में, खेती में तितलियों का, मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स होती हैं, परागण करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, जिनसे फल पर फल और सब्जियों पर सब्जियां बनती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो जितना हमसे कोशिश होती है हम उनको बचाते हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स हैं जो पत्तियों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो हम पत्तियों को कट करके इनको सेव कर लेंगे, लेकिन जो कैटरपिलर्स टहनियों पर बैठे हैं उनको रिमूव करना थोड़ा सा परेशानी होती है। तो उनको कुछ इस तरह से पत्तियों से या किसी स्टिक से बहुत आराम से, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत आराम से इनको उठा करके हमें बॉक्स में रखना होगा। और इनको कैसे सेव करना है, कैसे इनसे तितलियां बनती हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ज़रूर चेक कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बॉक्स में रखना होता है, ओपन बॉक्स में, या फिर बास्केट में आप टोकरी में रख सकते हैं, और जिससे छिपकली या चिड़िया वगैरह नुकसान ना करें, ऊपर से आप नेट से इनको ढक दीजिए। और इनको इसीलिए बचाना ज़रूरी है क्योंकि चिड़िया हैं या छिपकली है या बंदर हैं, इनसे बचाना ज़रूरी है, वो इनको खा जाते हैं। तो वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है, हर जीव का अपना अलग खाना होता है, लेकिन कुछ कीड़ों को तो हम बचा सकते हैं जिनसे तितलियां बन जाए, क्योंकि वैसे तो दूसरे पेड़ों पर उनको कैटरपिलर्स मिल ही जाते हैं खाने के लिए, तो कुछ कीड़ों को आप ज़रूर बचाइए। तो अभी ये जो हैं पत्तियां खाते खाते काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, कलर चेंज होता रहता है, फिर ये क्रिसलिस में चले जाते हैं, प्यूपा बन जाता है और फिर तितलियां बनती हैं। तो काफ़ी सारी ये पत्तियां खाते भी हैं और निकालते भी हैं। तो अगर ये आपके पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं तो उसको लेकर परेशान ना हो, इनको सेव करें और ताज़ी नींबू की पत्तियां इनको दें खाने के लिए, और आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। आपके पेड़ ख़राब नहीं होंगे, जल्दी ही उन पर नई पत्तियां आ जाती हैं 15 से 20 दिन के अंदर, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो ये जो कीड़ा है ये अभी अभी बना है, क्रिसलिस में बनने जा रहा है, प्रोसेस चल रही है, तो इस तरह से ये बनते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई थी, जो कार्डबोर्ड बॉक्स था वो मौसम में नमी के कारण हल्का सा मुड़ गया है, और जो कीड़े थे यानी कैटरपिलर्स थे वो नीचे जा करके उन्होंने अपना प्यूपा यानी क्रिसलिस बना लिया है। अब परेशानी ये है कि जब इसमें से तितली बनेगी तो उसको पंख फैलाने के लिए जगह चाहिए होगी, जो कि नहीं मिलेगी, तो फिर वो मर भी सकती है, क्योंकि जब पंख ही नहीं सही होंगे तो तितली उड़ नहीं पाएगी और मर जाएगी। तो अभी इसको हमें थोड़ा सा ठीक करना होगा। क्या करना है उसके लिए हमने ये किया है, क्योंकि हटा तो सकते नहीं है क्रिसलिस को, तो इसको हैंग कर दिया है और ऊपर से इसमें नेट का दुपट्टा लगाया है, और नीचे बलून जैसा थोड़ी जगह के लिए बना दिया है, और थोड़ी सी पिन से इसको अटैच किया है, क्योंकि जब इसमें से तितली बनेगी तो उसको खोलना भी होगा उड़ाने के लिए, फ्री करने के लिए, तो इसको दोनों साइड से हमने एक तरफ से सिल दिया है और एक तरफ से इसमें पिन से अटैच कर दिया है, और इसमें से एक बनने भी वाली है जो कि ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो इस प्रोसेस के दौरान इनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, नहीं तो ये क्रिसलिस जो है, जो प्यूपा है, वो काला पड़कर बेकार हो सकता है। तो आप भी कैटरपिलर सेव करके तितलियां सेव कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर पूछिए, जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।